अधिकार में है उसके प्रभाव में भी रहता है, और प्रभाव के तहत वो चीजें लिखता है, और प्रभाव में लिखा गया जो इतिहास होता है उसके अंदर परिवर्तन की मांग की जाती है कि साहब इसको बदलिए, क्योंकि आज वो वर्ग भी ऊपर उठकर आ गया है जो अपना इतिहास बताना चाहता है लेकिन किसी ने नहीं लिखा था। तभी तो भारत के आज की वर्तमान में क्या हो रहा है, जो अनसंग हीरो हैं 75वें आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार द्वारा रेलवे स्टेशनों पर, एयरपोर्ट्स पर, मेट्रोज में ऐसे ऐसे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां चला चलाकर सुनाई जा रही हैं कि भाई इतिहास में भारत की आजादी में बहुत सारे लोगों का योगदान था लेकिन उनके पास में कोई लेखक नहीं था। आज भारत के जितने भी शिक्षा जगत में बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें भारत की संस्कृति के प्रति जो सम्मान का भाव है, अपनी कल्चर के प्रति जो उनके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो ना होने का जो भाव है वो क्यों है? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में लेके किंडरगार्टन से चाहे आप आईएएस बन जाइए चाहे आप जो बन जाएं, भारत की संस्कृति का अध्ययन ही नहीं कराया जाता कहीं। जो आपको पेरेंट्स सिखाते हैं ना कि बेटा सुबह जगो तो बड़ों के पैर छुओ, धरती माँ को प्रणाम करो, सूर्य को देखो तो प्रणाम करो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, है ना, ये सब बातें हमको किताबों में सिखाई नहीं जा रही कहीं। सिखाने के नाम पर क्या होता है, वो स्कूल की प्रेयर में टीचर आता है बोल के चला जाता है, हम लोगों के दिमाग में वो बात कब छपेगी? मेरा एक लेक्चर क्या प्रभाव डाल देगा क्या आपके? नहीं। जब वो बार 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 आप याद करेंगे, याद कब करता है इंसान? जब एग्जाम आता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? कभी भी आपसे ये बात तो नहीं पूछी जाती बड़ों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं, वो आपका मेरिट बनाने वाला है ही नहीं। मेरिट बनाने वाली चीज क्या है? मुगल्स ने क्या किया था बताइए, उन्होंने ये चार महल बनाए थे। इस वजह से क्या होता है, इंसान के दिमाग के पटल पर ये छप जाता है। आप में से कुछ लोग कहते हैं ना मुझे बचपन का सब याद, चीज याद है, याद नहीं है, वो याद कराई गई है आपको एग्जाम का प्रेशर दे देके आपके दिमाग में, जिसमें कोई फन कंटेंट नहीं था। आज एक बच्चा जो कि एजुकेशन सिस्टम में एंट्री करता है, यदि आप उसको रामायण महाभारत वेदों का ज्ञान संस्कार गीता ये सब पढ़ाने लगेंगे तो उसके दिमाग में जाने लगेगा ना कि मेरी कल्चर भी कुछ है, मेरी वैदिक रीति रिवाज भी कुछ है, मेरे समाज में कुछ अच्छाइयां हैं, मेरे समाज में कुछ बुराइयां हैं।